कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित घर में सोमवार को तोड़फोड़ और आगजनी का मामला सामने आया। सलमान खुर्शीद के घर पर पथराव भी किया गया। असल में सलमान खुर्शीद के घर में कथित तौर पर उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद के बीच तोड़फोड़ करने का मामला नजर आ रहा है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसे संगठनों से की थी, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना चल रही है। इस किताब में कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। नैनीताल में घर में तोड़फोड़ और आग लगाने की घटना पर अब सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आपको अगर देखना है कि हिंदुत्व क्या करता है तो नैनीताल में मेरे घर का जला हुआ दरवाजा देख लीजिए। सलमान खुर्शीद ने फिर से एक बार कहा कि उन्होंने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो उससे पूरी तरह सहमत हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि असहमत वालों ने असहमति के लिए कोई भी स्पष्ट मामला नहीं बनाया है। उनकी असहमति नैनीताल में मेरे घर के सामने के दरवाजे को जलाने तक चली गई है क्या? क्या यह साबित नहीं करता कि मैं क्या कह रहा था और जो कह रहा था वो सही है क्या? राजनीतिक हिंदुत्व की तुलना किसी आतंकी समूह से करने के मामले में सलमान खुर्शीद से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब था, मैंने कहा है कि एक समानता है, मैंने यह नहीं कहा कि वे समान हैं।